गाजीपुर में कोरोना को लेकर एक बुरी खबर सामने आ रही है। कोरोना वायरस ने यहां एक और व्यक्ति की जान ले ली है। कोरोना वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति की शनिवार को मौत हो गई। ये गाजीपुर में कोरोना के कारण तीसरी मौत है। हालांकि अभी तक मिली जानकारी के अनुसार व्यक्ति की उम्र 81 वर्ष थी। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो सका है कि ये व्यक्ति कहां का रहने वाला था। आइए अब आपको गाजीपुर में कोरोना वायरस के ताजा हालात के बारे में विस्तार से बताते हैं। रविवार सुबह तक के आंकड़े के हिसाब से देखें तो अभी तक गाजीपुर में कुल 8063 सैंपल जांच के लिए भेजे जा चुके हैं, जिनमें से कुल 7435 के रिजल्ट भी आ गए हैं। इनमें से 325 लोगों की ही टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 444 लोगों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। गाजीपुर के लिए एक अच्छी खबर यह है कि आज कुल 11 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। इनको लेकर 286 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है, जिसके बाद अब गाजीपुर में कुल एक्टिव केसेस केवल 36 ही रह गए हैं। हमारी आपसे अपील है कि अधिक से अधिक सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने चेहरे को मास्क से ढक कर ही बाहर निकलें। और गाजीपुर में कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।